हमारा जो आज का टॉपिक हमने ले रखा है वो 24 का जो चैप्टर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से ही है। टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। देखिए अपने यहाँ जो वुमन्स होते हैं उनमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। अब उन्हीं को अपन क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ब्लड ग्रुप किस बेस पे होता है, कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, वो सभी टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पुट अप हो गया, हु डिस्क्राइब द ब्लड ग्रुप। हु डिस्क्राइब द ब्लड ग्रुप, तो द ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब बाय द कॉल लेंडर स्टेनर। किसका है? कॉल लेंडर स्टेनर का है। देन आफ्टर द ब्लड ग्रुप डिपेंड ऑन एंटीजन्स, द एंटीजन्स आर प्रेजेंट सरफेस ऑन आरबीसी। जैसे हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। द एंटीजन्स नॉन एज एग्लूटिनोजन। एंटीजन्स को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजन्स बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप किसके बेस पे डिफाइन करेंगे अपन? डिस्क्राइब करेंगे एंटीजन के बेस पे। तो एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑन आरबीसी, एंटीजन्स नॉन एज द एग्लूटिनोजन्स। एंटीजन्स आर टू, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। एंटीजन्स आर टू, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ध्यान रखने वाली बात है कि एंटीजन ए और बी अगर आप इस किसमें लिखना होता है आपको कैपिटल लेटर के अंदर ही नोट करना होता है, इसको अपन स्मॉल लेटर में नोट नहीं कर सकते। देन आफ्टर वी टॉक टू एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा एंटीजन प्रेजेंट द सरफेस ऑन आरबीसी एंड द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। एंटीबॉडी इज नोन एज द एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी इज नोन एज द एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी आर टू, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब इसको आप एंटी ए, एंटी ए और एंटी बी भी बोल सकते हो, एंटी ए और एंटी बी भी। तो बेसिस ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप डिफाइन इन द 4 ग्रुप्स। देन वी टॉक टू 4 ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। अब अपन बात करते हैं एंटीजन की। तो ब्लड ग्रुप ए कंटेन ए एंटीजन, बी तो आरबीसी पे बी एंटीजन होगा, तो बोथ एंटीजन ए बी होगा और बी बी होगा। अब यहां देखिए जब ओ की बात करते हैं तो अपसेट या एंटीजन नहीं होगा। तो क्वेश्चन बनाना, विच ब्लड ग्रुप हैज नॉट एनी टाइप ऑफ द एंटीजन्स, तो ब्लड ग्रुप ओ। देन आफ्टर वी टॉक टू एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी अपोजिट से एंटी कर दोगे तो एंटी ए हो जाएगा, बी कर दोगे तो एंटी बी हो जाएगा हमारे पास में, या फिर स्मॉल लेटर में। तो अगर एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी, अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए। इसमें देखिए ए और बी दोनों है तो इसका मीन्स यहाँ एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? अब्सेंट हो जाएगी। और यहाँ देखिए एंटीजन है ही नहीं, अब्सेंट है ना एंटीजन, एंटीजन अब्सेंट है तो बोथ एंटीबॉडी ए और बी बोथ आर प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप ओ। देखिए क्वेश्चंस देखिए, विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीजन, तो ए बी एंटीजन। विच ब्लड ग्रुप हैज नॉट एनी एंटीबॉडी, ए बी हो गई। ब्लड ग्रुप जो ए बी है इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसीवर बोला जाता है, और ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अपन इसको ए बी ओ सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ए बी ओ सिस्टम में कौन कौन से ब्लड है? ए बी और ओ।